आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ कपड़े दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने ओमान से बाय किए हैं। बहुत लोगों को लगता है, मेरे पास मैसेज भी आया था कि ओमान में ड्रेसेस और कपड़े वगैरह किस रेट में और कैसे मिलते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कुछ शॉपिंग की है और जो भी मैंने यहाँ से ख़रीदा है वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ड्रेसेस, टॉप और फुटवेयर, तीनों चीज़ मैं आपको यहाँ से जो मैंने ख़रीदी है मैं दिखाऊँगी और विद प्राइस मैं बताऊँगी। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगी अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको किस किस तरीके के कपड़े यहाँ लाने चाहिए और कौन कौन से कपड़ों की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कौन से कपड़े आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट ड्रेस की तरफ, जो है ये ड्रेस। ये मैंने अभी जो ईद निकली है, ईद कलेक्शन आया था तो उसी से मैंने ली थी। ये ड्रेस मैंने ली थी R&B से, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले लिया। मैक्सी ड्रेस है ये पूरी, और इस पर पूरी ड्रेस पे फ्लोरल प्रिंट है और इस तरीके से ना सिल्वर और गोल्डन की पूरी ड्रेस में स्ट्रिप्स है। 3-4 स्लीव्स हैं और बीच में इसमें फ्रिल फ्रिल है और अंदर लाइनिंग लगी हुई है। तो ये ड्रेस मुझे फ्रेश में ली थी मैंने जब ईद का कलेक्शन आया था। तो इसका प्राइस है 7,500, मतलब 7 रियाल 500 पैसा। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करें तो मतलब 1600 कुछ रुपए की ये ड्रेस है। तो इस तरीके से है, फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको पहन के। पुरानी वीडियो में देखा होगा, मैं इसको पहन चुकी हूँ। ये भी मैक्सी ड्रेस है और ये पूरी फ्रिल फ्रिल है और फ्लोरल प्रिंट है। इस तरीके की जो प्रिंट होते हैं समर्स के लिए बहुत एप्रोप्रिएट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लाइट कलर है तो सुंदर लगते हैं। तो ये ड्रेस की जो स्लीव्स हैं वो हाफ स्लीव्स, मतलब हाफ से तो ज़्यादा ही है, और पीछे इस तरीके से इसमें इलास्टिक दे रखी है। तो ये भी फुल लेंथ मैक्सी ड्रेस है। ये मुझे लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इसका प्राइस कुछ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 14 रियाल समथिंग था। ये भी मैंने ईद कलेक्शन में ही लिया था, मगर लास्ट जो अब ईद से पहले वाली ईद आई थी ना उसमें लिया था। एक्चुअली ईद कलेक्शन जब आता है ना तो ड्रेसेस काफ़ी अच्छी अच्छी आती हैं और फ्रेश में आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, और जब सेल लगती है तो बहुत सारे पीसेस निकल जाते हैं तो साइज़ नहीं मिलता है। तो ये भी मैंने फ्रेश में लिया था, बट बाद में मैंने देखा था तो इस ड्रेस के प्राइस काफ़ी कम हो गए थे तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ था, बट कोई नहीं। तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कपड़ा इसका भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत सुंदर है। तो ये 13 या 14 रियाल की थी, तो आप इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी हो जाएगी 2500 समथिंग की। तो ये है मेरी दूसरी ड्रेस, तो यहाँ पे मैं वो क्लिप लगा देती हूँ जब मैंने ये ड्रेस पहनी थी। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, ये डेनिम लुक में है। ये भी लॉन्ग ड्रेसेस हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे लॉन्ग ड्रेसेस ज़्यादा खरीदती हूँ। वैसे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ लॉन्ग ड्रेसेस ही पहनूँ। अगर ओमान से बाहर, मतलब मस्कट से बाहर हम किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं या कहीं लोकल से बाहर जा रहे हैं तब मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेती हूँ, बट लोकल में मैं मैक्सी ड्रेस ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो ये डेनिम लुक में है। ये भी पूरी मैक्सी लॉन्ग ड्रेस है, मैक्सी ड्रेस है, और आगे इसमें पूरे बटन्स दे रखे हैं और इसके साथ बेल्ट भी आई है डेनिम की। तो ये ड्रेस मुझे मिली थी 8,500 रियाल। एक्चुअली ये ड्रेस भी मैंने फ्रेश में खरीदी थी तो डिस्काउंट में नहीं खरीदी थी। तो ये है हमारी थर्ड ड्रेस, तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको पहन।
और ये मुझे सेल में मिला था, तो ये मिला था मुझे 4 रियाल का आफ्टर डिस्काउंट। पहले ये था 6 रियाल का और सेल में इसका प्राइस था 4.500, मतलब 4.5 रियाल हो गया, मतलब 4 रियाल 500 पैसा। तो ये ड्रेस ली थी, ये टॉप लिया था मैंने, ये वाइट प्योर कॉटन है और जो इसकी स्लीव्स हैं इस पे एम्ब्रॉयडरी है, तो इस तरीके की ओवरसाइज शर्ट है। शर्ट भी अच्छी लगती है ना, मतलब आप लूज लूज शर्ट पहनो, और वैसे भी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है पड़ना, तो यहाँ पे मन करता है कुछ लाइट कलर का पहनो, कॉटन का पहनो, तो मुझे ये शर्ट अच्छी लगी है। वैसे भी वाइट शर्ट तो एक ज़रूर होनी ही चाहिए, वैसे मेरे पास बहुत सारी है। तो ये है मेरा टॉप, तो चलिए इसको हम स्टाइल करते हैं। साटन टाइप है, जो बिल्कुल चिकना चिकना टाइप नहीं होता, वही है, पूरी फ्लोरल प्रिंट की है। शॉर्ट शर्ट नहीं है, लॉन्ग शर्ट ही है, तो इस तरीके से ये है। और ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा अच्छा लगता है ना बीच पे कभी कुछ कलरफुल सा पहनो, तो इस तरीके से मैंने ये फ्लोरल प्रिंट पे शर्ट ली है। तो इसको दिखाती हूँ मैं पहन के। बहुत सारे फुटवेयर खरीदे हैं बट उनको मैंने पहन के गंदा कर दिया, तो वो दिखाने लायक नहीं है। जो अभी मैंने नहीं पहने और रिसेंटली खरीदे हैं मैं वो दिखाती हूँ। तो मैंने ये स्लीपर्स खरीदी थी, इसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी हो रही है, और ये मैंने सूट के लिए ली थी। सूट पे इस तरीके की स्लीपर्स अच्छी लगती है, तो एक स्लीपर ये मैंने ली थी, ये मैंने R&B से लिया था। मैंने पहले ब्लॉग में ही बता रखा है कि R&B की स्लीपर्स बहुत अच्छी होती है, मतलब खूब चलती हैं, आप कितना भी पहनो ना तो जल्दी से ख़राब नहीं होती और अफोर्डेबल होती है। तो मुझे R&B की स्लीपर्स बहुत पसंद है, स्पेशली मतलब मैं कुछ लूँ ना लूँ R&B से स्लीपर्स तो ज़रूर लेती हूँ। तो ये स्लीपर्स ली थी मैंने, और ये मुझको मिली थी 4 रियाल की, 4 रियाल की थी, क्योंकि ये भी मैंने सेल में मिली थी। अगर आप सेल में लो ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, आगे इसमें बो बना रखा है, तो इसमें फ्लैट भी थी और हील वाली भी थी, तो मुझे, मैं ज़्यादा फ्लैट्स पहनना पसंद करती हूँ, मुझे कंफर्टेबल फ्लैट ही लगती है, तो मैंने फ्लैट में ली है। तो आप इसको वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ पहनो या जींस के साथ पहनो या सूट के साथ पहनो, सबके साथ बहुत अच्छी लगेगी। और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, इसका प्राइस है 4.500 पैसा, मतलब 4 रियाल 500 पैसा। तो ये मैंने ली थी स्लीपर्स, तो बस इतना ही कुछ लिया है मैंने, और तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो आप बताइए आपको यहाँ की प्राइस सस्ते लगे या इंडिया के सस्ते लगते हैं कंपैरिजन करके। तो बस अगर आप लोग इंडिया से ओमान आ रहे हो अभी, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ आपको टॉप आराम से मिल जाएंगे, वेस्टर्न ड्रेसेस मिल जाएंगे, जींस ये सब तो आपको आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा एथनिक का यहाँ पे होता है, एथनिक मिल जाता है, बट कंपैरिजन टू इंडिया इतना अच्छा एथनिक ड्रेसेस यहाँ नहीं मिलती, मतलब सूट्स वगैरह यहाँ इतना नहीं मिलता, मिल जाता है। तो अगर आपको सूट्स पहनना पसंद है और जो सूट के साथ जूतियाँ पहनना पसंद है, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो वहीं से लेके आएँ, और ये सब तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बस और मैं बता देती हूँ यहाँ पे विंटर्स के लिए, विंटर्स यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, मस्कट में तो वैसे बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं होता। अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप ज़रूर उसके कपड़े रख के लाए, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को पहनाती हूँ दिसंबर वगैरह में,
हमें तो इतना फील नहीं होता। और जो मस्कट के बाहर के एरिया है वहाँ का टेम्परेचर कंपैरिजन टू मस्कट ज़्यादा कम रहता है, मतलब वहाँ ठंडा रहता है। और जबल अख्तर यहाँ पे है ओमान में, वहाँ तो स्नोफॉल भी होता है, तो मस्कट में इतनी ठंड नहीं होती। बट यहाँ पे जब विंटर्स आते हैं, मतलब दिसंबर में नवंबर में, आपको हर शोरूम पे इतना सारा विंटर कलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी लाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।